दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित हुआ कलेक्टिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सेमिनार। सेमिनार में हुई स्किल डेवलपमेंट पर विस्तार से चर्चा। दैनिक भास्कर मीडिया पार्टनर रहा। नागरिक फाउंडेशन और नागरिक डायलॉग सेमिनार के सोशल पार्टनर रहे। सेमिनार में शामिल हुए समाज के कई बुद्धिजीवी। दैनिक भास्कर के एडिटर इन चीफ दीपक द्विवेदी ने रखा इस विषय पर अपना विचार। आज के इस शानदार समारोह के मुख्य आयोजनकर्ता टाइम्स फाउंडेशन एवं की प्रेरणा स्रोत आदरणीय पूजनीय इंदु जैन जी, हमारे अन्य सहयोगी संस्थाएं जो इस कार्यक्रम में अपना सक्रिय सहयोग दे रही हैं, एक्शन एड, नागरिक फाउंडेशन, डॉन बॉस्को समेत हमारे बहुत सारी और संस्थाएं जिनके लोगों का प्रतिनिधियाँ हो रहा है, उन सभी लोगों का मैं दैनिक भास्कर परिवार की ओर से बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर टाइम्स फाउंडेशन ने एक मुहिम चलाई है और उस मुहिम का संकल्प है कि हर व्यक्ति जो बेरोजगार है वो कहीं ना कहीं किसी भी अपनी क्षेत्र में कुशलता हासिल करके रोजगार हासिल करे, जिससे देश के विकास में उसका योगदान है और देश से गरीबी हटे और समृद्धि बढ़े। इस कार्यक्रम में सरकार के अलावा हम सभी लोग अपनी प्रयास दे रहे हैं, लेकिन निराशाजनक चीज ये है कि बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं और हम सम्मेलन करते जा रहे हैं। मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी स्टेक होल्डर्स एवं समस्त आमंत्रित अतिथियों से इस बात का अनुरोध जरूर है कि हर कार्यक्रम के बाद उसका एक फॉलो एक्शन होना चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी रूप में इस कार्यक्रम में शामिल है उसकी देश समाज के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका है और जिम्मेदारी है और जवाबदेही है। हम उसका पूरी ईमानदारी से जहां तक संभव हो सकता है हमको निर्वहन करना चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हम किसको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दें। देश में स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग सरकार दे रहा है, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप गाड़ी से शहर छोड़ के आप देहात की ओर चलते हैं एक बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर पड़ा है जिसमें मजदूर है, किसान है, प्लम्बर है, राज है, मजदूर है, गाड़ी बनाने वाला है, उसकी तादाद सबसे ज्यादा है। इस मंच के माध्यम से मैं इस बात की पहल भी करना चाहता हूं और उसमें निजी तौर से और अपने संस्थान की ओर से इस चीज का एक संकल्प लेके कार्यक्रम बढ़ाना चाहता हूं कि गाँव के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको हम स्किल डेवलपमेंट करके एक ऐसा देश के सामने एक मॉडल बनाएं जिसमें आदमी को देश के विकास में भी उसका सक्रिय योगदान हो और जो लोग उसको साक्षर और दक्ष बना रहे हैं, स्किल कर रहे हैं, उनके प्रति उसको दुआ भी मिले। मुख्य विषय है आज की तारीख में अखबार जगत से हम लोग जुड़े हैं। अगर हम गांव की जरूरत के मुताबिक कोई स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम नहीं लेके जाएंगे
तो मेरा कार्यक्रम सिर्फ कागजों पर, जैसे अखबार आज की 21वीं सदी में हर 50 किलोमीटर के ऊपर अखबार का दूसरा संस्करण पढ़ने को मिलता है। यहां से गाजियाबाद जाएंगे, दिल्ली संस्करण समाप्त, गाजियाबाद से अमरोहा जाएंगे, खत्म अगला संस्करण। तो जब अखबार और शासन 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर जाएंगे, दूसरा जिला मिलेगा, दूसरे अधिकारी मिलेंगे, दूसरे पुलिस अधीक्षक मिलेंगे, दूसरे जिला कलेक्टर मिलेंगे, अगर एक ही व्यक्ति से सारा काम चल जाए तो हमको ना अखबार के अलग अलग संस्करण निकालने की जरूरत है, ना अलग अलग अधिकारी तैनात करने की जरूरत है। कहने का सार ये है कि हम लोकल जरूरतों के हिसाब से इस तरीके का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए हैं जिससे उन लोगों को वास्तविक रूप में उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तरक्की हो, तब मेरा कार्यक्रम भी याद रखा जाएगा, हम भी याद रखे जाएंगे और थोड़ा मेरा गर्व से सर भी ऊंचा होगा कि हमने एक गांव में कुछ काम किया है, वहां के लोग कुछ आगे निकल रहे हैं। संक्षेप में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अब इन सम्मेलनों के माध्यम से ये इस तरीके का कोई एक पिरामिड तैयार हो कि एक एक्शन प्लान के रूप में हम लोग जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे और हमारे ये जो जागरूक देश के नागरिक हम सब लोग बैठे हैं, जो भी इस कार्यक्रम में क्या भागीदार है, उस सबकी जिम्मेदारी है। अन्यथा बेरोजगारी, गंगा को प्रदूषण से मुक्त करना, स्किल डेवलपमेंट, ये सब कागजी समाचार और कागजी योजनाएं रहते हैं। हम लोग आज इस मंच के माध्यम से कुछ देश में सक्रिय योगदान देना चाहते हैं जिसकी पहल टाइम्स फाउंडेशन ने की है। मैं जरूर चाहूंगा कि अब सम्मेलन और सेमिनार से आगे बढ़ के हम लोग रणभूमि में पहुंचे और किसी गांव का, किसी शहर का, किसी मोहल्ले का, किसी ब्लॉक का एक चयन करें और वहां अपना जौहर दिखाएं, हमारे बाजू आतिथ्य, हमारी इन हाथों में कितना दम है, हमारी योजनाओं में कितना दम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करूंगा कि हम लोगों ने एक दरवाजे खोले हैं, उसमें आप लोग अपने विचार दें, अपनी आहुतियाँ दें, हम सब लोग साथ मिलकर अगर चलेंगे तो ये मिशन जरूर पूरा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।